शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पता नहीं आपको मेरा वीडियो कब मिले, इसमें सारी विशेष मैंने आपको एक साथ दे दी। मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो अपनी रेमेडी लेकर आई हूँ, जो आज का टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है एंगर। फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हमें एंगर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जिसे देखो हर टाइम गुस्सा ही करते रहते हैं। और गुस्सा इतना ज़्यादा कि लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे वो खुद को ही हार्म करते हैं। क्या हमने कभी इस बात को गहराई से सोचा है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट जाता है। सबसे पहले गुस्सा हमारे दिमाग को अशांत करता है, और गुस्से के साथ साथ जो हम क्रिया करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, मुंह जोरा जोरी करना, या किसी को गाली बक देना, या किसी को कुछ ऐसा कह देना जिससे वो बात उसकी हृदय से लग जाए। सो फ्रेंड्स, आप कुछ सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, उससे जैसी चीज क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एकमात्र इस गुस्से की वजह से हम अपने शरीर में अनेकों रोगों को उत्पन्न करते हैं। जब हमें एंगर होता है, जब हमें गुस्सा आता है, तो हमारे शरीर में एकदम हलचल सी मच जाती है। हम ऐसे ऐसे करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, कोई भी हो। मैं जानती हूँ कि बातें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप सभी चाहें तो इस गुस्से को मैनेज कर सकते। क्या करना है आपको, जब भी आपको गुस्सा आए, आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, पानी पिए। अगर पानी भी नहीं पी रहे हैं तो लॉन्ग ब्रीदिंग लेकर उसको एक्सहेल करें। 5 times भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। या फिर आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है इसको हम रब कर सकते हैं, इसको हम नींबू की भांति निचोड़ सकते हैं। ये हमारे एंगर को बहुत मैनेज करती है। फ्रेंड्स, मेरी बात तो आज की बहुत छोटी है, लेकिन विश्वास मानिएगा, ये एंगर आज के टाइम में घर के रिलेशंस को खराब कर रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आज के टाइम में इतने डिवोर्स केसेस हो रही हैं, उसके बड़ा सबसे बड़ा रीज़न ही हमारा एंगर है। कोशिश करिए उसको मैनेज करने की। साथ साथ अगर आपको वास्तव में लगता है कि मेरा गुस्सा इतना चढ़ चुका है कि मेरी हेल्थ भी स्पॉइल हो रही है और मेरी रिलेशंस भी स्पॉइल हो रही हैं, तो उसके लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू करें, ओम का उच्चारण करना शुरू करें। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो वॉक करते टाइम आप कितना ओम का उच्चारण करें, 11 times, 21 times, उसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें। आप एक बार 21 दिन करके तो देखिए, ऐसा आप देखेंगे आपके जीवन में जैसे जैसे गुस्सा खत्म होगा, आपके शरीर से रोग निकलना शुरू होगा। जैसे आप कहते हैं ना, मेरा तो मन शांत ही नहीं है, मन की शांति कहाँ से आए जब अंदर ही उथल पुथल मची हुई है। तो इस मन की शांति के लिए अगर आप किसी गुस्से को शांत कर लेंगे तो मन की शांति तो अपने आप आपको।